घड़साना उपखंड के क्षेत्र के चक नौ पीएसडी रावला गुरुद्वारा साहिब में लगाई आग। सोशल मीडिया पे हुआ वायरल वीडियो। क्षेत्र के नौ पीएसडी रावला गुरुद्वारा साहिब में शनिवार देर शाम आग लगने की खबर आई। इसमें एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई है। इसकी सूचना रावला थाना में दे दी गई। सूचना मिलते ही रावला थाने में पुलिस दलबल सहित मौके पर पहुंची। ये आग किसने लगाई पुलिस द्वारा पता लगाने की कोशिश की जा रही है। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार गुरुद्वारा साहिब के नियमों के अनुसार गुरु ग्रंथ साहिब को रात्रि को अलग जगह रखा जाता है जिसको सचखंड साहब कहते हैं, तो शाम को पाठ करने के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को अंदर रख दिया गया जिस कारण गुरु ग्रंथ साहिब को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं जिस किसी ने गुरुद्वारे साहिब में आग लगाई उसने ईंट आदि मारकर सचखंड साहिब के गेट को तोड़ने का भी प्रयास किया लेकिन वह सफल नहीं हो सका। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सो नगर नौ पी एच डी पंचायत जो कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दरबार साहब दे अंदर किसी शरारती अंसर ने छिटियां रख के ते अगन भेट किया गया है। सो सारिया नू ए बहुत दुख लगा ते पूरी संगत इस बारे गुरुद्वारा नौ पी एच डी पहुँची हुई है जो कि बड़ी अफसोस की गल है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का बहुत वड्डा नुकसान किया गया है। पिंड नौ पी एच डी जो गुरद्वारा साहब जो कि इत्थे सारी संगत अते सारे वीर पहुँचे हुए ने दास दरबार साहब दे विच पहुँच गया जो कि सारा सारा दरबार साहब देख लो जी आप पालकी साहब पई है अग्नि भेट की गई है पूरा पूरा पालकी साहब गोलक साहब जी है जो प्रसाद जिन्ना भी इतने समान पिया सी सारा सचखंड दे विच लकड़ा रख के ते ओ अग्नि भेट कर दिता है। बहुत वड्डा सिख कौम नू घाटा गुरु ग्रंथ साहब जी के उत्ते वार किया गया है।